तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर भाई जो पकड़ लेके चल। धीरे धीरे रानी चल भाई को पकड़ के लाई, भगवान को प्रणाम किया। बामन भगवान बोले, यही है तुम्हारी औरत? हाँ महाराज, घर में बहुत देर कर दी, लेटो। राजा पेट के बल लेट गए और रानी लेटी और खड़ी हो गई। महाराज बोले, क्या बात है? नहीं लेटने को दिल कहता तो घर ही मना कर देती, अब तो बड़ी बदनामी होगी। रानी कहने लगी, प्रिया मैं लेट तो जाऊंगी, हमें प्रभु तो दो बातें कर लेंगे, कर ले। देखो भक्तों, तो लड़की की खोपड़ी में कितना मसाला। भगवान के पास आई और बोली, प्रभु हमें एक बात बताओ। भगवान बोले, पूछो। धन बड़ा होता कि धनी? देखिए क्या गजब का प्रश्न किया भगवान जी, कि धन बड़ा होता कि धनी? भगवान कहने लगे, धन और धनी में मालिक नौकर जैसा रिश्ता है। धनो धली में मालिक नौकर जैसा रिश्ता उनके यहाँ। तो महाराज कौन नौकर है, कौन
मालिक है, भगवान कहने लगे धनी मालिक है धन नौकर है, धन नौकर है। रानी बोली फिर तो आपका दान पूरा हो गया। कैसे? रानी बोली बस महाराज निश्चय मुक्ति ऋणी होगा, तीन कदम में धन होगा तो आधा कदम धन। महाराज तीन कदम में धन हो गया, आधा कदम धनी हो गया, खाता आपका पूरा हो गया। लोगों बात की बात में बातें काम कर गई, भगवान चतुर्भुज बन के प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। भगवान बोले धन्य हो देवी, तुमने हमें वचनों में ऐसा बांधा कि मेरे होश ही बिगड़ गए, वरदान मांग लो। रानी बोली हमें कछु नहीं चाहिए, बी कछु ले तो ले ले। अब राजा के सामने भगवान आए, वरदान मांगो राजा बलि, वरदान मांगो। राजा कहने लगे प्रभु हमें कछु नहीं चाहिए, बी कछु ले तो ले ले। और रानी के सामने आए, वरदान मांगो देवी। रानी बोली मोह नहीं चाहिए, कछु बी कछु ले तो ले ले। अब तो भगवान को फुटबॉल बना लो, मांगे कोई नहीं। राजा कहने लगे हे प्राण प्यारी, प्रभु को परेशान न करो, कछु मांग लो। रानी बोली पिया इन पे, इन पे मांग लो। मेरे पिया की पीठ न पाए ने खूब मचाओ दंगा है, किन से मांगू मेरे सैया समय छोड़ो बिकम। तुम तो खुद भिखारी हो, मेरे दूल्हा के सामने झोली फैलाई, ऐसे नंगों पर नहीं मांगता। भगवान के नीचे पलक हो गए। राजा से कही तुम मांगो बलराज। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। बल कहने लगे महाराज हमें वरदान दे दो कि मैं जिधर भी नजर उठा के देखें हमें आपके दर्शन हो, आप हमें खड़ी मिले। भगवान बोले एम मस्तु ऐसा ही होगा। जो एम मस्तु का भक्तो राजा का महल बना था उसमें 56 दरवाजा, 56। राजा ने पहले दरवाजे पर निगाह करी, भगवान भाग के पहले दरवाजे पर, अब दूसरा तीसरा चौथा आठवां दसवां। राजा बलि एक ही जगह खड़ो, वो नजर ऐसे कर रहे हो भगवान भाग रहे। 12 बजे तक नाटक शुरू भाव, 5 बजे को आए गए। ये लक्ष्मी जी सोचे, लक्ष्मी जी जन कहाँ चले गए, न कछु कही है न कछु सुनी है। भगवान इनके पीछे लामो सब चोला सूखी हो, कहू के तो नहीं गए। तो नारद जी आई है, मैया अरे नार देते आ, तूने पिताजी को देखो। नारद कहने लगे पिताजी बिना तुम्हारे क्षीर सागर में तो जुम्मन से उन्हें खाते, कल लड़ाई कर दे।
मैया लक्ष्मी बोली ताई सो तो पेट और फटो जात। शाम को हंस हंस के बातें करते एक बेला दूधो पी लो पर रहे हमने सवेरे चार बजे खटिया पे हाथ फेंको अपन मिले ना रजाई हाथ में परी। नारद जी कान लगे राजा बल के दरबज्जे पे घुटवन की चुट रही जल्दी जाओ सोई मैया लक्ष्मी भाज दे। दो खेत रह गई जब राजा की हवेली और बनने का तेज करते भगवान भागा भाग भागा। अब मैया लक्ष्मी आई बोली पिया सुनो क्यों भाग रहे तुम बताओ ना क्यों भाग। भगवान कान लगे हम तो सोई हैं मशीन उधर है एक चक्कर मैया ने लगाओ। कान लगी काय को भाग रहे। राजा बल ने एक निगाह जगह पर निगाह रोकी भगवान खड़े हो गए। मैया लक्ष्मी प्रभु को पसीना पहुंचने लगी और बोली का जरूरत थी किसे लगाएं दोषम किसे करें बदनाम परखे तो पाए हमने अपने खोटे दाम। का जरूरत थी भक्तों को सताए को आए और फांसी भी लटक गए तो भगवान कहने लगे हे लक्ष्मी भगतन ने मोको नाना भांति नचायो री भगत इनके पीछे हमने बैकुंठ भी छोड़ दिया। राजा बलि जाओ हम तुम्हें पाताल का राजा बना के भेजते हैं। मन चीती न होती है प्रभु चीती तत्काल जात हते सुर लोक को भेज दियो पाताल। ध्यान रखना भक्तों ऐसे प्रभु को कभी मत भूलना। एक दिन प्रभु से ही काम पड़ेगा। न औरत साथ देगी न दौलत साथ देगी न औलाद साथ देगी प्रभु ही साथ देंगे। ध्यान रखें हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ बड़े मन से अनुष्ठान रचा है। जो लोग हमारा लिखा हुआ गीता लेना चाहते हैं गीता यहाँ पर मौजूद हो। गीता नहीं जो सुरख की नशेनी है मेरे भाइयों सरल भाषा में गीता हमने एक साल 7 महीने में लिखी है। गीता घर में रख दो जाकर 11 दिन में गीता चमत्कार दिखाती है। जो लड़के लड़कियां पढ़ने में कमजोर सुबह गीता के पैर छू के पढ़ने जाएं किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। ध्यान रखिए घर में कलह है सास बहू में नंद भाभी में पड़ोसी पड़ोसी में कलह नष्ट हो जाते। ध्यान रखिए लोगों गीता कीमत है बच्चे 100 रुपए में गीता देते हैं।